मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। बिहार शिक्षक बहाली 2022 की बड़ी खबरें। सातवें चरण नोटिफिकेशन में कई बदलाव और कई बदलाव के बीच एक बड़ी खबर हम आपको दे दें कि स्नातक स्तर पर पठित विषय के आधार पर 5 अंक का वेटेज आम अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। नियमावली 2020 में हो रहे बड़े संशोधन और बड़े संशोधनों के बीच ये बड़ी खबर हम आपको दे दें कि बहाली चाहे टीईटी के अंक प्रतिशत के आधार पर हो या एकेडमिक आधार पर, स्नातक स्तर पर पठित विषय के आधार पर आम अभ्यर्थियों को 5 अंक का वेटेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया जारी, ऐसे में हाईकोर्ट पटना के भी बड़े निर्देश हैं कि 5 अंक का वेटेज दिया जाए जिन्होंने स्नातक स्तर पर मुख्य विषय में वो विषय रखा है जिस विषय के वो शिक्षक बनने वाले हैं। आप देख सकते हैं 5 अंक का वेटेज वर्तमान की छठे चरण की बहाली में दिया जा रहा है और आगे भी ये प्रावधान जारी रहेगा। उच्च अधिकारियों से वार्ता करके हमने ये मुद्दा उठाया था और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाईकोर्ट पटना का भी जजमेंट है, CWSC 21/7/46/2019 ये केस है। शत्रुघ्न प्रसाद यादव ने 2019 में ये बड़ा केस किया था और इसमें बड़ी सुनवाई के बाद बड़ी जीत मिल चुकी है। आप तारीख देख सकते हैं 26/11/2020 को इस केस में बड़ा फैसला आया था। अनिल कुमार उपाध्याय की बेंच में ये केस था और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ग्रांट 5 additional marks इन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्शन हिस्ट्री ज्योग्राफी सब्जेक्ट अंडर द सोशल साइंस। आप देख सकते हैं कि स्नातक स्तर पर पठित विषय के आधार पर 5 अंक का ग्रेस देने की बात की गई है और इस मुद्दे पर सचिवालय शिक्षा विभाग में हमने भी बड़ा ज्ञापन दिया था और आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अनिल कुमार उपाध्याय का बड़ा नाम, हाईकोर्ट पटना से पहले ही जजमेंट है कि 5 अंक का ग्रेस दिया जाए स्नातक स्तर पर पठित विषय के आधार पर। और ऐसे में ये बड़ा जजमेंट आपके स्क्रीन पर, STET के माध्यमिक उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा। आपके स्क्रीन पर बड़ा जजमेंट और बड़ी खुशखबरी, स्नातक स्तर पर पठित विषय के आधार पर अभ्यर्थियों को इस अतिरिक्त 5 अंक का लाभ मिलेगा। ऐसे में बहाली चाहे एकेडमिक आधार पर हो या STET के मार्क्स के आधार पर। आपके स्क्रीन पर छठे चरण की मेधा सूची है, पश्चिमी चंपारण की मेधा सूची है। स्नातक स्तर पर पठित विषय के आधार पर 5 अंक का अधिभार, यहाँ आप साफ तौर से देख सकते हैं यह अधिभार सिर्फ स्नातक स्तर पर पठित विषय के आधार पर मिलता है। 5 अंक आप देख सकते हैं और शून्य भी आप देख सकते हैं, जिन्होंने सब्सिडरी में अंग्रेजी रखा था उनको ये नहीं मिला। 2011-12 के अभ्यर्थी 2022 शिक्षक बहाली में STET 2019 के साथ समायोजित हो रहे हैं। ऐसे में इन दोनों के समायोजन के बीच में यह बड़ी खबर आ रही है कि 5 अंक का वेटेज जो छठे चरण की बहाली वर्तमान बहाली में दी जा रही है वो सातवें चरण में भी आगे प्रस्तावित होगी। और आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नियमावली भी आपके स्क्रीन पर है। सचिवालय शिक्षा विभाग इस पर अंतरिम मुहर जल्द ही लगाने जा रहा है और ये बड़ी खुशखबरी आप आम अभ्यर्थियों को हम दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अभी अभी ये बड़ी खबर आई और हमने आपको ये बड़ी खबर दी, आपको इस बड़ी खबर से अवगत कराया कि अब स्नातक स्तर पर पठित विषय के आधार पर माध्यमिक उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों को 5 अंक का वेटेज दिया जाएगा। सचिवालय शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न जिला नियोजन इकाई से रिक्ति मंगवाई जा रही है और रिक्तियों के आकलन के तुरंत बाद जल्द ही सातवें चरण का शेड्यूल प्राथमिक से लेकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा और आम अभ्यर्थी ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से आगे आवेदन करेंगे। ऐसे में ये बड़ी खबर स्नातक स्तर के अभ्यर्थियों के लिए। आगे नियमावली में कई तरह के संशोधन जारी है और प्राथमिक शिक्षक बहाली से जुड़े अभ्यर्थी भी शिक्षा सुधार के वीडियो को देखते हैं और अपने संबंध में भी बड़ी जानकारी चाहते हैं। ऐसे में उनको हम बता दें कि बने रहें, जुड़े रहें शिक्षा सुधार के साथ। जल्द ही नियमावली संशोधन के संबंध में और भी ताज़ा अपडेट हमें प्राप्त होगा, हम आपको विश्लेषित करेंगे। आप आम अभ्यर्थियों से और आम दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं, और अन्य अभ्यर्थियों को इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि स्नातक स्तर पर पठित विषय के आधार पर 5 अंक का अधिभार ये मुद्दा बहुत ही ज्वलंत है और आम अभ्यर्थियों तक इस बात की जानकारी पहुंचनी चाहिए। शिक्षा सुधार आपको खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी दिखलाता है। सातवें चरण की बहाली ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से हो या TET के अंक प्रतिशत के आधार पर हो या एकेडमिक आधार पर 5 अंक का अधिभार आम अभ्यर्थियों को मिलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी नहीं होगी, पर आप अगर फॉरवर्ड करेंगे इस वीडियो को तो आम अभ्यर्थियों तक यह जानकारी पहुंचेगी। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो।